हाय गाइस, दिस इज विकास। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और सेक्शन 5 जो CUET फिलॉसफी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यह जो पूरा सेक्शन है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक में ऊपर में से थ्योरी ऑफ जस्टिस वगैरह है, तो सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और नीचे जब आप देखिएगा इस पूरा मतलब टॉपिक में, तो उसमें आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफर लाइक गांधी हो गए, टैगोर हो गए और अम्बेडकर हो गए। तो अभी जो है मैंने सोचा था कि इसको जो अपने कोर्स में है वहाँ तो मैं पढ़ाता ही, तो उसको वहाँ ना पढ़ा के ये आप लोगों के लिए भी मैं मतलब अवेलेबल करा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी इजीली एक बार बस देख जाओ और समझ में आ जाएगी आपको। और जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप स्क्रीनशॉट लेके उसको वो कर लेना, लेकिन पहले समझ लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बाकी आप उस चीज़ों को बना लोगे और इस पर टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोगों को इसको क्लैरिफाई कर दें एकदम शॉर्ट टर्म में, मतलब एकदम सिंपल वे में इसको बताने की जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बता दूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग गांधी है, तो गांधी में जो इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक है, जैसे ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वो उन टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। और एक और पार्ट टू आएगा जिसमें से जो रेस्ट टॉपिक बचेंगे सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के, वो उसमें कवर हो जाएंगे, जो आज ही रात को लगभग जो है अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। तो गांधी के टॉपिक में पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो गांधी जी की जो विचारधारा है, ठीक है, तो वो विचारधारा आप देखिए तो दो तरीके से आप उसको, एक सत्य के रूप में, ट्रुथ के रूप में, और दूसरा जो है वो अहिंसा के रूप में, नॉन वायलेंस के रूप में आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नॉन वायलेंस और अहिंसा, इन दोनों के खेल को समझिए आप। दोनों जो है ना वो अभिन्न है। अभिन्न का मतलब आप अगर इसको सेपरेट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, अगर आप अहिंसा नॉन वायलेंस को ख़त्म कर दोगे तो ट्रुथ भी खत्म हो जाएगा। क्यों होगा वो अभी आप आगे समझ में आ जाएगा आपको। कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि सत्य की तलाश में उन्हें अहिंसा का विचार प्राप्त हो गया। सत्य की जब तलाश कर रहे थे वो, तो उनको एक छड़ी के रूप में, एक मार्ग के रूप में, एक पाथ के रूप में नॉन वायलेंस मिला था। ठीक है, यह उसी तरह है जैसे कि जो है डेकार्ट की फिलॉसफी आप पढ़ते हो, वहाँ वो जो है डाउट के मेथड को लेकर चलता है और उसको मिल किया जाता है तो कॉजिटो यानी सोल मिल जाता है। वैसे ही जब गांधी जी चलते हैं सत्य की खोज में, तो उनको क्या मिल जाता है, नॉन वायलेंस मिल जाता है। फिर मैंने उसको एक डायग्राम के थ्रू बताने जो है वो किया है कि एक कॉइन है, कॉइन का अगर एक पाथ अगर आप नॉन वायलेंस को लोगे, दूसरा पाथ, दूसरा जो छोर है वो क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब इन दोनों को समझिए कि अहिंसा और सत्य क्या है। तो सत्य के बारे में गांधी जी कहते हैं कि अल्टीमेट हमारा गोल यही है। हमारा गोल क्या है, सत्य को खोजना। क्योंकि अभी आप देखिए ऊपर में, यहाँ भी वही कह रहा है सत्य की तलाश। तलाश का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो आपके पास नहीं है उसको आप खोजना है, आपको उसी को पाना है आपको। तो अल्टीमेटली हमारा जो साध्य है, हिंदी में इसको साध्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको गोल अचीवमेंट बोल सकते हैं आप, उसको एम्बिशन बोल सकते हैं, मोटो बोल सकते हैं। तो सत्य क्या है गांधी जी की फिलॉसफी में, गांधी की फिलॉसफी में वो गोल है, उसको पाना है, जो हमसे क्या है, हमारे पास थोड़ू ना है, वो दूर है, लक्ष्य हमारे पास नहीं है। CUET का एग्ज़ाम क्या है, वो जो पेपर है वो आपसे दूर है, वो आप एग्ज़ाम में दोगे फिर वो एक तरह का मीडियम बनेगा, अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका मोटो हो जाएगा कि JNU जाना है, लाइक BHU जाना है। तो सत्य वैसे ही क्या है, हमारा मोटो है, उद्देश्य है। अहिंसा फिर क्या है, तो कहा अहिंसा हमारा साधन है। जैसे अगर आपको जाना है कॉलेज, तो आपको CUET में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया क्या, साध्य। कॉलेज हमारा साध्य हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, उसके थ्रू जाएंगे, किसके थ्रू, तो CUET पेपर के थ्रू जाएंगे। तो वह जो पेपर हुआ वो हो गया अहिंसा। अहिंसा हमारा क्या बनेगा, साधन बनेगा। और हमारे पास अभी है क्या, जो आपके पास क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, आपको पेपर में एग्ज़ाम देना अच्छे से। तो कहते हैं गांधी जी कि अहिंसा क्या है, वो हमारे पास है, आपके हाथों में है। और फिर वो कहते हैं कि अगर उचित ढंग से साधन का उपयोग हो, तो ही सत्य प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा ही होगा। मान लेते हैं अगर कोई शिद्दत से पढ़ाई किया है तो उसके पेपर अच्छा जाएंगे, जब पेपर अच्छा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको अच्छे रैंक मिलेंगे, और अच्छे रैंक मिलेगा तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साध्य और साधन, ये साध्य है और साधन क्या हुआ, अहिंसा। याद रखिए इस बात को, साध्य क्या हुआ, ट्रुथ हुआ, और साधन क्या हमारा, अहिंसा हुआ। तो इन दोनों में से जो है अगर अहिंसा सही रहेगा, अगर हम सही तरीके से जो है सही पाथ को अपनाएंगे, तो हमको जो है हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मोटो भी एक दिन ज़रूर फुलफिल होगा। फिर अहिंसा को वो दो टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, दो भाव में यूज करते हैं, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे कहता है यही इसका मूल रूप है, पॉजिटिव वे जो है ये हमारा मूल रूप है।
अहिंसा का मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अगर समझा जाए तो हत्या ना करना, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरलतम अर्थ में क्या होता है, हत्या ना करना। लेकिन अगर आप इसको व्यापक अर्थ में देखोगे, ब्रॉड वे में देखोगे, तो यह एकमात्र का एग्जाम्पल है, किसी की हत्या ना करना ही अहिंसा है। अहिंसा का मतलब जो हिंसा ना करना, तो क्या यही इसका सर्वमान्य परिभाषा है? सर्वमान्य का मतलब यूनिवर्सल, यही डेफिनेशन है, या इसको ब्रॉड वे में क्या केवल यही कहेंगे कि किसी की हत्या ना करना ही अहिंसा है? तो नो, यह एक तरह का एग्जाम्पल भले आप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी, देखिए इसको समझिए, कि किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा या क्षति पहुँचाना वो अहिंसा है, हिंसा है, और अगर ना पहुँचाना है तो वो अहिंसा है। याद रखिएगा, अहिंसा का मतलब केवल फिजिकली किसी को आप डैमेज नहीं, बल्कि मेंटली भी अगर किसी को टॉर्चर करते हो तो वो भी एक तरह का हिंसा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो नॉन वायलेंस है, वो अहिंसा है। फिर गांधी जी जो है वो जैन के फिलॉसफी से भी, आपको पता होगा कि जैन की फिलॉसफी में जो पंच महाव्रत है उसमें एक अहिंसा भी है, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो उसमें जो अहिंसा है, अहिंसा वो अहिंसा से ये इफेक्ट है, मतलब इन पर उनका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं जिस तरह की जैन की फिलॉसफी में अहिंसा है मैं उतना तो नहीं मान पाऊँगा। क्यों, कारण क्या था कि जैन के फिलॉसफी में अहिंसा को उतना मतलब प्रैक्टिकली नहीं मान पाते हैं। गांधी जी भी कहते हैं कि यार उतना नहीं कर सकता कोई भी आदमी। क्यों ऐसा कहते हैं, तो देखिए जैन की फिलॉसफी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि अहिंसा का जो पालन है उसने तीन, मनसा वचना और कर्मा, यानी मन वचन और कर्म, इन तीनों स्टेज पे जो है आपको जो है हिंसा को त्यागना पड़ेगा, वायलेंस को जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, और तब जाके आप सही तरीके से अहिंसा का पालन कर पाएंगे। ठीक है, अगर फिर उसमें जैन की फिलॉसफी में कहा गया कि अगर आपके सामने में कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आप भी एक हिंसा कर रहे हो। मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपके सामने कोई किसी को पीट रहा है और आप चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो आप भी हिंसा कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना कि आपने कुछ नहीं किया, बस आप देख रहे हो किसी को गलत करते हुए और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो आप भी एक जो है वो हिंसा कर रहे हो। ठीक है, तो हिंसा को देखना भी, होने देना भी, या सोच किसी बारे में गलत सोचना भी, ये भी जो है एक तरह का हिंसा है। गांधी जी कहते हैं कि यार सामान्य लोगों के लिए इतना कठोर नियम फॉलो नहीं कर पाएगा, ना तो प्रैक्टिकली है पॉसिबल और ना ही ये पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकल भी नहीं ना पॉसिबल है। जैसे कि आप देखिएगा कि वो लोग कृषि नहीं करते, जैन वाले लोग कृषि नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम कृषि खेती करेंगे तो छोटे छोटे जो पार्टिकल, जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो दब जाएगा और वो मर जाएगा, और वो भी एक तरह का हिंसा है। ठीक है, सांस लेने में या खाना पीना खाने में भी कुछ जीव का जो है वो, जाहिर सी बात है, कभी कभी रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें जैसे उसके रस में होता है ना वो मक्खी वगैरह, तो अगर बोलते हैं अगर वो मर जाता है तो वो भी एक तरह का हिंसा है। और हिंसा का मतलब वो छोटा बड़ा सा मतलब नहीं रखता है कि कोई हाथी को मार दो या कोई एक जो है वो छोटा से छोटा जो है मकड़ी को मार दो या मक्खी को मार दो, वो मर्डर ही कहलाएगा, वो जो है जैन की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वो जो है हत्या ही कहलाएगी। ठीक है, फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं उतना तो नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने इतना तक कहा है, देखिए ये लाइन समझिए, कि कुछ विशेष परिस्थिति में हिंसा भी अनुशंसित है, मतलब कि कुछ विशेष परिस्थिति में हिंसा भी जो है वो जायज हो जाता है। कब, जैसे एग्जांपल के थ्रू पे बताते हैं कि अगर मान लो कोई पागल आदमी है और पागल आदमी जो है पूरा सोसाइटी में सबको परेशान कर रहा है, किसी को मार रहा है, काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पागल को मार देना, हत्या कर देना कोई बड़ी वो नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखिएगा इस बात को, ये लाइन याद रखना आपको, कि कुछ विशेष परिस्थिति में हिंसा भी क्या है, अनुशंसित है, मतलब ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में। अब आपको अहिंसा और हिंसा के बारे में थोड़ा सा, मैं इसको डायग्राम में बनाया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट वो मैं एक बार बाद में जो है दिखा दूंगा बाद में, अभी पहले समझ लो। अब अहिंसा और हिंसा के बारे में कुछ समझते हैं। अहिंसा और हिंसा, तो हिंसा क्या है भाई, जीवन में अपने अस्तित्व को बचाने के क्रम में काफ़ी लोग हिंसा कर जाते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के नाम जिसको बोलते हो ना आप, तो वहाँ भी सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं लोग, गोली मार देते हैं किसी को भी या किसी को मर्डर कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, हिंसा है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी कोई जो उपलब्धियाँ होती है वो टिकाऊ नहीं होती हैं। जैसे हम लोग गाँव में कहावत है कि चोर के घर कभी भी अंजोर नहीं होता, अंजोर का मतलब यहाँ जो है उजाला। तो क्यों ऐसा, क्योंकि चोर कितना भी कुछ कर रहा है लेकिन वो तो क्या कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, और गलत का परिणाम हमेशा से गलत रहा है। वो ठीक है थोड़ा देर के लिए उसको जो है बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेट उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, वो गलत ही होगा। ठीक है, इसलिए वो क्या बोलता है कि जो हिंसा करते हैं जो लोग, वो अस्थायी तो उसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो पूरा एग्जाम्पल, ये जो मैंने लिखा है, इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। कहते हैं कि अगर मान लो कोई इंसान अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अच्छे के लिए भी अगर वो मर्डर कर रहा है किसी का या किसी को मार रहा है,
कोई अच्छा कदम उठा रहा था, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को पीट दे रहा है तो वो भी जो है उसका फल जो है वो क्या होगा, वो भी वायलेंस कहलाएगा, वो भी जो है वो गलत कहलाएगा, हिंसा ही कहलाएगा। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कोई हिंसक आदमी है क्या वो अहिंसक नहीं हो सकता है, हिंसा को त्याग नहीं सकता? बोलता बिल्कुल त्याग सकता है। बोला कैसे? तो कहा देखो यार, कोई भी इंसान नेचुरली क्या होता है, अहिंसक ही होता है। छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है वो भविष्य में IAS बनेगा या कुख्यात जो है डाकू बनेगा या फिर जो है वो टेररिस्ट बनेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब इंसान जन्म लेता है, जो छोटा बच्चा होता है, अबोध होता है, वो मूलतः क्या होता है? अहिंसा की होता है। उसको क्या ही मतलब है किसी से मारना पीटना? सोसाइटी में आता है, अब वो हवा में जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है। अब देखो छोटा बच्चा अगर कहीं किसी गलत सोसाइटी में जन्म लेता है तो देखो वही बच्चा जो है गाली गलौज सीख जाता है। अगर कोई इंग्लैंड में जन्म लेता है या फिर इंडिया में ही पढ़े लिखे घर में जन्म लेता है या संस्कार के घर में जन्म लेता है, जिसके घर में संस्कार है, तो वही बच्चा जो अच्छा कर जाता है। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्मजात जो है वो पापी नहीं होता है, हत्यारा नहीं होता है, अहिंसक नहीं होता है। तो मूलतः देखा जाए तो हर इंसान जन्म से क्या होता है? अहिंसक होता है। और फिर वो आबो हवे परिवेश में आकर जो है वो हिंसा का सहारा ले लेता है और जो है गलत काम करना शुरू कर देता है। तो फिर वो कहते हैं कि जब कोई हिंसक हो जाता है तब उसकी जगह हम कैसे उसको अहिंसक बनाया जाए? तो कहा इसका सिंपल उपाय है, जब उसको ग्लानी फील होने लगा, जब उसको लगेगा कि नहीं जो है ये सब काम गलत है, तो धीरे धीरे वो उसके अंदर क्या आध्यात्म जग जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म जग जाएगा। और स्पिरिचुअलिज्म जगेगा तो जैसे ही स्पिरिचुअल होगा वो उस तरह वो क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा। जैसे आप देखो तो प्राचीन इतिहास में आप देखो तो अशोक को देख लो आप, अशोक काफ़ी काट मार कर रहा था, ये युद्ध स्तर पर लड़ रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि तो देखो जब वो अटैक करता है तो अटैक करने के बाद क्या होता है, फिर वो छोड़ देता है सब कुछ। समझ आया ना? तो इसीलिए जो अल्टीमेटली क्या बोलता है, अल्टीमेटली उसका कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो है वो अहिंसा की प्रवृत्ति होती ही होती है, ठीक है, लेकिन वो परिस्थितियां जो है उसको गलत कार्य करने को मजबूर कर देती है। समझ आया ना? ये हो गया। उसके बाद कहते हैं कि वही लाइन यहाँ पर है कि मानव स्वभाव तो क्या होता है, अहिंसक होता है। फिर अहिंसा के बारे में वो कहता है कि मानवता का मूल एवं अनिवार्य गुण क्या है, मानवता का मूल और अनिवार्य गुण क्या है, वो अहिंसा है। कोई भी इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो वो किसी का गलत नहीं सोचेगा, किसी के लिए गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी बात पे वो आगे बोलते हैं कि वस्तुतः अहिंसा का मतलब क्या, वस्तुतः जो है प्रेम है, किसी के लिए आप गलत नहीं सोचते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप सभी इंसान को वैल्यू देते हो, सभी को आप मानते हो, तो वह एक तरह का क्या है, प्रेम है। अगर कोई इंसान किसी के लिए गलत नहीं सोचता है, सबके लिए भला चाहता है, तो वो इसका मतलब क्या है, वो समस्त चराचर विश्व से प्यार करता है, सबसे प्रेम करता है। तो जो भी अहिंसक होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वस्तुतः प्रेमी होते हैं, ठीक है। और प्रेमी होने से क्या होगा, तो आंतरिक एकता की भाव होती है, मतलब इंटरनली सब में उसके अंदर क्या होती है, यूनिटी होता है। वो कभी दो चीज़ नहीं समझेगा, कभी वो दो चीज़ों के बारे में नहीं बोलेगा। उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि विचलित मानसिक प्रवृत्तियों को पृथक करता है, मतलब अहिंसा क्या होता है कि जब कोई इंसान विचलित मानसिक प्रवृत्ति का मतलब जैसे किसी को क्रोध आता है, कोई बदले की भावना में चलता है, द्वेष होता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या होता है, मतलब इन तमाम चीज़ों से जो भी विचलित प्रवृत्तियाँ होती हैं इनसे उसको जो रेपुटेट करता है अहिंसा। जब कोई इंसान अहिंसात्मक मार्ग को अपनाता है तो उसमें क्या होता है फिर कि उससे उसको किसी भी चीज़ों से जो है उसको दिक्कत नहीं होती है। क्यों दिक्कत होगी किसी को, अगर मान लो कोई अहिंसक है जो न किसी से जलेगा, सबसे जब प्रेम कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मानसिक प्रवृत्ति से उसको छुटकारा मिल जाता है। फिर वो कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो मन को पूर्णतया स्वच्छ कर देती है तथा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। बात सही है, जब कोई इंसान सबसे प्रेम करता है, सबको आदर देता है, तो फिर वो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठ जाता है, ठीक है। कहते हैं कि इंसान के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। तो कोई इंसान अगर सबसे प्रेम करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है उसको सब लोग मानते होंगे, सब लोग अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो वही इंसान क्या हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। फिर कहते हैं कि प्रेम तो और भी कठिन हो जाती है जब तुम अपने विरोधियों से भी प्यार करो। जैसे मान लो वो गांधी जी कहते हैं ना कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ऐसे में क्या होगा ना कि सामने वाला का हृदय भी पसीज जाएगा, वो भी कहेगा अरे यार गलत करते हैं, नहीं मारना चाहिए, क्यों मारे किसी को भी, ठीक है। और जब आप जब वो आपको पीट देता है और फिर भी आप उसको कहो कि और भाई कैसे हो तुम, तो उसको अपने आप से जो है लज्जा आने लगेगी, ठीक है। तो वही कहता है कि जब तुम प्रेम तब कठिन और भी हो जाता है जब तुम अपने विरोधियों से भी प्यार करने लगो, ठीक है। आगे फिर देखिए कहते हैं कि प्रेम करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए जो है बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंटरनली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, अत्यधिक पावर होना चाहिए। कोई हिंसात्मक आदमी को प्रेम नहीं होता है, क्योंकि हिंसात्मक आदमी जो है निर्बल होता है, मतलब कमज़ोर होता है। जैसे इसके रेफरेंस को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं,
आप एक दिल जले एक फिल्म है अजय देवगन की, उस फिल्म में क्या होता है, अजय देवगन एक लड़की से प्यार करता है सोनाली, तो वो जो है उनसे प्यार करता है, तो होता क्या कि बाद में कुछ कारणवश जो है वो हथियार उठा लेता है, मतलब वो हिंसात्मक हो जाता है टेररिस्ट के साथ, वो मतलब उस फिल्म में दिखाया गया कि वो टेररिज्म ज्वाइन कर लेता है। होता क्या कि एक बार वो जो है एक बस को जो हाईजेक करता है, उस बस में क्या होता है वो हीरोइन रहती है, मतलब उसकी प्रेमिका रहती है, तो जब उसको हाईजेक करके जब उसको सबको लाया जाता है एक रूम पे बंद करके कैदी की तरह, तो जब अजय देवगन उनसे मिलने के लिए जाता है अपनी हीरोइन से अपनी प्रेमिका से, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको बार बार अजीब टाइप का फील होने लगता है। तो याद रखिएगा, जब कोई इंसान हिंसक हो जाता है तो वो अंदर से बहुत टूट जाता है, वो सही वाला आदमी से मिला नहीं पाता है। तो उसी में वो कहती है कि क्या हो गया, तुम जो है देश के बारे में बहुत गुणगान करते थे, देश के बारे में बहुत चर्चाएं करते थे, आज क्या हो गया, आज इतना कमज़ोर क्यों पड़ गए हो तुम, बस समझ रहे ना। तो इसीलिए जो हिंसात्मक आदमी होता है ना, वो अंदर से डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ होता है, और जो अहिंसक होते हैं, देखिए जब कोई गलत आदमी नहीं होता तो उसको कहीं डर भी नहीं होता है, लेकिन डर किसको होता है, जो गलत होता है। तो इसलिए हिंसात्मक वाले जितने भी इंसान होते हैं वो अंदर से कमज़ोर होते हैं, भले वो खुद को अपने बहुत बड़े वो बताए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि हमने गलती की है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर कोई किसी को पीटे हैं हम, हो सकता है कोई हमको आके पीट दे, लेकिन कोई किसी को नहीं पीटा है, सबसे प्यार किया, तो उसको कभी भी डर नहीं रहता है। तो अहिंसात्मक आदमी को कभी भी डर नहीं होता है। प्रेम निर्बलों के लिए नहीं बल्कि सशक्तों के लिए है, मतलब जो पावरफुल होता है, पावरफुल कौन होगा, जो अहिंसात्मक होता है, जो नॉन वायलेंस को फॉलो करता है, वो लोग पावरफुल होते हैं, उनको आत्मशक्ति मिलती है। लेकिन जो चोरी करते हैं, जो किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि पुलिस आकर कब उनको अरेस्ट कर लेगी। आगे फिर वो देखिए कि कहते हैं कि जब कोई इंसान प्रेमी होता है, अहिंसात्मक होता है, उसके बलिदान करने की भावना होती है उसके अंदर, पॉजिटिव होती है, वह स्व से ऊपर उठना चाहता है। जैसे जब कोई प्रेमी होता है, जब कोई सबको मानता है, तो उसको क्या तुम्हारा क्या हमारा इस भावना से जो है वो ऊपर उठ जाता है, वो सब क्या चाहता है। कहते हैं कि अयम निजम प्रवृत्ति गणना लघु चेचा उदार चेता नाम तू सुदेव कुटुंबकम, मतलब यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसी गणना कौन करेगा। जो नीच कोटि के लोग होते हैं वो कहता है कि ये मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन जो उदार हृदय के होते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, जो अहिंसात्मक होते हैं, उनके लिए तो समूची पृथ्वी कुटुंब के समान है, वो सबको अपना परिवार मानता है। तो इसलिए उसके लिए जो है, फिर वो कहता है कि वही प्रेम कर सकता है जो निस्वार्थ बन सका हो, जो अब पाना नहीं चाहता बल्कि देने के लिए इच्छुक होता है। बात सही है, ये बात तो एकदम सही है, निस्वार्थ भाव के जो लोग होते हैं वही लोग प्रेमी बन सकते हैं, सब लोग नहीं। फिर वो कहते हैं कि अहिंसा में बलिदान दुख और कष्ट निहित ही है। अहिंसा में क्या होता है, बलिदान भी होता है, आपको बलिदान देना पड़ता है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, ये सब चीज़ निहित होती है। फिर कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने वाला झुकता नहीं है, विरोधियों को झुकना पड़ता है। अब भी आपको बताया था हमने कि आप ऐसा काम ही कर देते हो कि सामने वाला को एकदम जो है वो आँख से आँख मिलाने की ताकत नहीं होती है, उसकी नज़र झुक जाएगी, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक ईश्वर में अटूट आस्था ना हो। याद रखिए इस बात को कि अहिंसा अहिंसात्मक या प्रेमी तब तक जो है नहीं हो सकता जब तक उसकी ईश्वर में विश्वास ना हो, ईश्वर में आस्था ना हो। गांधी जी जो है ईश्वर को मानते हैं, इसी आस्था के आधार पर हर व्यक्ति अन्य को अपना समझ सकेगा और मानव में क्या होगा, एकता की बढ़ावता होगी, यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसी आस्था के बदौलत। फिर कहते हैं कि ईश्वर में आस्था मानव के प्रति प्रेम में परिणत हो जाएगा। ईश्वर में जब कोई आस्था रखेगा तो उसका मानवता के प्रति क्या होगा, प्रेम में परिणत हो जाएगा। ये डायलॉग याद रखिएगा, उनका कथन है। तो ये था हमारा अहिंसा। अब आते हैं दूसरा सत्याग्रह। तो कहते हैं कि सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह, सिंपल सी बात है, सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्य को पुकारना है, सत्य की शक्ति को जो है आपको वो जानना है, असत्य क्या है, हमारा गोल वही ना है। सत्याग्रह में आपको बताया था अभी शुरू में ही, सत्य और अहिंसा, तो अहिंसा क्या हमारा मीडियम है, पाथ है, और सत्य क्या हमारा अल्टीमेट गोल है। अब सत्याग्रह में समझते हैं। तो कहते हैं गांधी जी कि सत्य और अहिंसा का सैद्धांतिक विवेचन व्यर्थ है। मतलब कहते हैं कि सैद्धांतिक मतलब थ्योरिटिकल क्या बोले उसके बारे में, जिसको जिया जाता है उसको बोला नहीं जा सकता है। जैसे अगर कोई पूछा जाए कि प्रेम क्या है, तो प्रेम क्या है इस शब्द के बारे में क्या है, अब डेफिनेशन दीजिएगा। जिसने प्रेम किया है उसको पता है कि प्रेम क्या है, लेकिन उसको शब्द नहीं में बता सकते ना, कि शब्द में कैसे उसको बता सकते हैं कि क्या है प्रेम। तो इसलिए कहते हैं, इसी बात को जो है नागसेन और जो है मिनिंडार में जो एक मिलिंद पलो एक बुक है उसमें बातचीत होती है कि भाई आत्मा क्या है। तो उसने कहा आत्मा क्या है, मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, क्या है आत्मा, जिसको मोक्ष मिल जाती है वो उसको पता होगा क्या है नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो कहा कि तुम्हें मिला है तो तुम बताओ। तो फिर वो एक मतलब शब्द के बारे में बताता कि जैसे आत्मा मोक्ष जो है वो मधु से भी ज़्यादा मधुर है, हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो जो जिएगा उसी को ना पता चलेगा जी। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कहते हैं कि यदि व्यवहार में इसके पालन के ढंग का निर्धारण, मतलब यदि व्यवहार में इनके ढंग के पालन के ढंग का निर्धारण नहीं होता है
सत्याग्रह के बारे में कहते हैं कि देखो जो चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं वो प्रैक्टिकल, मतलब उसको प्रैक्टिकली जिया जाएगा, उसको थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते, और बताएगा तो व्यर्थ है। और इसका मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब बेसिक मतलब है जो भरवली लोग कहते हैं कि सत्य का आग्रह या सत्य की शक्ति। गांधी जी कहते हैं कि सत्य का आग्रह और सत्य की शक्ति को आप प्रेम शक्ति भी बोल सकते हैं, आत्मशक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सत्य और सत्य ही ईश्वर है, सत्य इज इक्वल टू, मैंने ईश्वर लिखा है यानी ट्रुथ इज इक्वल टू गॉड, याद रखिएगा इस बात को। और सत्य का आग्रह का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का आग्रह, सत्य और ईश्वर दोनों बराबर है गांधी जी की फिलॉसफी में। तो अगर हम कहें कि सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह, तो इसका क्या मतलब हो, सत्य का आग्रह का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का भी आग्रह, क्योंकि सत्य इज इक्वल टू ईश्वर। तो इसलिए कहा गया, ये याद रखिएगा कि गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड, ये किसने कहा है, तो ये गांधी जी ने कहा है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि गॉड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड, ये किसने कहा है कि ईश्वर जो है वो विश्व है, विश्व ही ईश्वर है, तो ये स्पिनोजा ने कहा है, याद रखिएगा इस बात को। गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड, ये किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा है, ठीक है। अब कहते हैं सत्याग्रह के मार्ग पर अन्य कोई कारण या कोई प्रयोजन से नहीं चलता, बल्कि कठोरतावादी ढंग से चलता है। मतलब जब कोई सत्याग्रही होते हैं ना, तो कोई और प्रयोजन से नहीं चलता है, बल्कि कठोर मत से चलता है कि उसको जो है हमको पाना है, ठीक है। हमारा क्या मतलब हमको क्या करना है, तो हमको सत्य को पाना है, हमको जो है सत्याग्रही बनते हैं तो हमको सत्य को पाना है, ठीक है। उसके लिए जो है कठोरतावादी और वो जो सत्य का जो मार्ग होता है वो बहुत कठोर होता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता है। उसी के बारे में आगे समझिए कि जब कोई सत्याग्रही बनता है तो क्या करता है, वो धार्मिक आचरण को अपनाना पड़ता है। ईश्वर एक कहता था, वही हर मनुष्य हर जीव हर सत्ता में है, कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम जिसका विरोध करते हैं उसमें भी उसी ईश्वर का वास होता है जो हम में होता है। सत्याग्रही कहते हैं कि जब हम जिसका विरोध करते हैं उसमें भी, मतलब आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए गांधी जी कहते हैं कि अगर तुम किसी को पीट रहे हो तो ये भी समझ लो कि उसके अंदर भी वही है जो तुम्हारे अंदर है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी प्रेम क्या होगा सत्याग्रही होने पर, आप सबसे प्यार करोगे, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई द्वेष ही नहीं रहेगा, जैसे अभी पिछले क्लास में पढ़े थे ना ऊपर में। फिर आगे देखिए, यदि यह प्रेम ना हो तो सत्याग्रह का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में अगर प्रेम ना हो तो सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि क्या सिखाता है, अल्टीमेट हमको यूनिवर्सल लव करना सिखाता है सत्याग्रह। और कहता है कि अगर प्रेम ही ना हो तो क्या कभी सत्याग्रह का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर कहते हैं गांधी जी कि पुनर्जन्म में विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों विश्वास करना पड़ेगा, इसे लॉजिक समझिए। कहते हैं कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा, मतलब कि जैसे मान लो कोई इंसान अच्छा काम किया और अगर वो मर जाता है तो क्या हुआ उसके कर्म, तो कहा कि अगर रिबर्थ होगा तो वहाँ भी उसको मिल जाएगा। यही बात कांट भी कहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इथिक्स सब उसको पढ़िएगा, मतलब नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कांट की फिलॉसफी में पढ़िएगा, तो उसमें कहता है ना कि आत्मा की अमरता ईश्वर का अस्तित्व, और जो है वो एक और देता है, वो क्या कहता है उसको, उसको आप कह सकते हैं एक तरह से, हाँ, फ्रीडम ऑफ विल। तो फ्रीडम ऑफ विल के बारे में कहता है, वो तीन कहते हैं वो लोग। तो यही बात कह रहे हैं गांधी जी की पुनर्जन्म में भी विश्वास होना चाहिए। फिर कहते हैं कि सत्याग्रह के अनुशीलन के आधार पर कुछ इस प्रकार का विश्वास अनिवार्य है कि अपने सत्याग्रह का फल होगा ही, भले ही हम स्वयं उस फल को फलित होते ना देखें। कहता है कि अगर आप अच्छा बीज रोपोगे तो एक दिन वो वृक्ष होगा ही होगा, और वृक्ष से फल मिलेगा ही मिलेगा, भले आप रहो ना रहो, लेकिन उस वो जो है फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि फ्यूचर के लिए जो है हमको उसके फल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लॉ ऑफ कर्मा को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको रिबर्थ को मानना ही पड़ेगा, रिबर्थ को मानते हैं। फिर कहते हैं सत्याग्रह के लिए तीन चीज़ जरूरी होती है, क्या क्या, ईश्वर में विश्वास, आत्मा की अमरता, और मृत्यु आत्मा की समाप्ति नहीं है, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको मानना पड़ेगा। फिर कहते हैं सत्याग्रह कि अहिंसा अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध शक्ति का रूप है सत्याग्रह, ठीक है, अहिंसा अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध एक शक्ति का रूप है, कौन, सत्याग्रह। फिर कहता है कि हर प्रकार के अत्याचार अन्याय तथा हिंसा भी इसी कारण होते हैं, मतलब हर प्रकार के अत्याचार अन्याय तथा हिंसा भी इसी कारण होते हैं। इसी कारण किस कारण होते हैं, कि अगर कोई सत्य का मार्ग से भटक जाता है तो वो क्या कर लेगा, मान लीजिए उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो गलत काम करना शुरू कर देता है। अगर इसको इंसान को पता हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो वो कभी नहीं करेगा कोई गलत काम। फिर आगे वो कहते हैं कि हिंसा जो है वो अन्याय का साथ देता है, ठीक है, अगर कोई इंसान हिंसा करता है तो वो अन्याय का साथ देगा, और अगर आप अन्याय का साथ देंगे तो आप सत्य से दूर हो जाएंगे, और सत्य से दूर हो जाएंगे यानी आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और आप असत्य के मार्ग में चले जाएंगे। आगे बोलता है
कि समाप्त इसको समाप्त करना है तो सत्य को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको हिंसा को समाप्त करना है तो आपको ईश्वर के शरण में जाना होगा, आपको सत्याग्रह के मार्ग में जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि हर व्यक्ति में एक अनिवार्य शुभत्व होता ही होता है, और वो शुभत्व अगर गौण हो जाता है, देखो कोई आदमी जो है क्रिमिनल क्यों बनता है, क्रिमिनल इसलिए बनता है, आपको मैंने बताया था कि बाय बर्थ हर इंसान अच्छा होता है, नॉन वायलेंस होता है उसके अंदर, लेकिन वो होता क्या है ना कि उसकी जो अच्छाई है वो माहौल पे डिपेंड होते होते सारा जो गंदगी है उसके ऊपर बैठ जाता है। आपको पता होगा, अगर मान लो आप जो है एक अच्छा सा जो है कपड़ा, वाइट कपड़ा रख दो कहीं पर और उस पर उसको छोड़ दो 10 दिन के बाद, तो देखो आसपास के जितने डस्ट हैं उसके ऊपर बैठ जाएगा, और ये बैठ के क्या करेगा आपको, ये इसको देगा गंदा करके। ये एक्चुअल में वाइट है, और वाइट को मान लो आप जो है सही सत्य मान लो आप इसको, या नॉन वायलेंस मान लो उसको, अहिंसात्मक है, लेकिन ये जो गंदगी है ये आपके ऊपर बैठ जाएगा आके, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, तो कहा जब गंदगी बैठ जाएगा तो आप हो जाएगा क्या, हिंसक हो जाओगे आप, मतलब आप मार काट करना शुरू करो, क्योंकि आपका जो अच्छाई है वो दब गया है आपके अंदर अच्छाई। चोर के अंदर भी मोरालिटी होती है, लेकिन उसने इतना जो है गलत काम कर दिया है कि उसका जो आदमी मर जाता है अंदर से। देखो इंसान दो तरीके से मरता है, एक इंसान फिजिकली डेथ होता है और एक इंसान इंटरनली डेथ होता है। तो इंसान के अंदर जो है वो भले फिजिकली डेथ हो जाए लेकिन इंटरनली डेथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब कोई इंसान ना जिंदा जरूर लेकर वो जिंदा नहीं रहेगा, फिलॉसफी के वहाँ समझो कि वो इंसान तो रहेगा पर उसके अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो जल्लाद हो जाएगा एक तरह से, वो कोई मोह माया नहीं रहेगा, ठीक है, वो मशीन हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि मशीन को भी कोई मोह माया नहीं होता है। एक रोबोट और एक इंसान में बस फर्क यही होता है कि हमारे अंदर जो है करुणा होता है, प्रेम होता है, ठीक है, हम किसी को समझ सकते हैं उस तरह से उसकी भावनाओं को, लेकिन रोबोट नहीं समझ सकता है बस, बाकी काम आपसे भी स्पीड कर देगा वो, कंप्यूटर करता है ना जी आपसे स्पीड, आपसे स्पीड जो होता है, कैलकुलेटर जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, वो फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है, भावनाओं को नहीं समझ सकता है, और जिस दिन समझ गया उस दिन आपसे AI आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि हाँ, तब कोई अगर उस जो डस्ट बैठ गया है उस डस्ट को जो है फिर आप धो दो उस कपड़े को, फिर वो साफ़ हो जाएगा, और वो जो गंदगी सब साफ, यानी आपका कचरा जो आपके ऊपर बैठा हुआ था वो सब साफ़ हो जाएगा, और फिर आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे। तो इसलिए कहते हैं गांधी जी कि अपने आत्मा की जब आवाज़ को अनसुना कर देता है तो वो हिंसात्मक हो जाता है, और अगर आत्मा की आवाज़ को सुनने लगेगा तो वो हो जाएगा अहिंसात्मक। सत्याग्रह के 4-5 प्रकार हैं, बस उसको देख लीजिए, अहिंसा, असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसको, सविनय अविज्ञा आंदोलन, तथा प्रवचन या हिजरत बोलते हैं इसको, अनशन बोलते हैं और हड़ताल बोलते हैं, ये सब 3-4-5 प्रकार हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं बस जान लीजिए। स्वराज के बारे में पढ़िए, स्वराज के बारे में गांधी जी ने एक मैगजीन में इंडियन ओपिनियन में उसमें लिखा था, फिर उसको एक बुक उन्होंने ही लिखा है, एक बुक इंडियन हिंद स्वराज जो है उसमें स्वराज के बारे में उन्होंने बताया है। इसमें वो बेसिकली कहते हैं एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो है राजनीतिक स्वतंत्रता की ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक तरह का अहिंसात्मक आंदोलन का मार्ग, ठीक है, अभी जैसा है कि अभी तो मर्डर फटर करके भी आगे पीछे कर देता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ है हमारा कि एक अहिंसात्मक जो है आंदोलन, जिसमें कोई किसी को मारे काटे नहीं बल्कि अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़े। कहते हैं फिर उसी में राजनीतिक स्वतंत्रता में ही बोलते हैं कि स्वराज का मतलब होता है अपना राज, अपना शासन, ठीक है, और यह एक तरह की अनुभूति है, एक तरह का भावना है, ठीक है, और स्वराज जो है एक तरह का फीलिंग्स होता है। स्वराज वास्तविक रूप तभी ले पाएगा जब यह भावना हर इंसान में, हर घर में जो है जन्म ले, मतलब हर इंसान अगर सोचे कि अपना शासन, अपना राज्य है, हम अपने लिए, मतलब जो है हम लोग जो है एक अच्छा इंसान है, अगर कोई इंसान ऐसा सोचे कि नहीं नहीं ये स्वराज जो है ये सबके लिए है, हमारे लिए स्पेशली नहीं है, सबके लिए है, हम सबके लिए हैं, सब हमारे लिए है, अगर ऐसी भावनाएं हो जाएगी तो वो स्वराज कहलाएंगी। जैसे कि समझिए स्वराज का बेसिक मतलब समझिए, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लो सत्ता जो है अभी कुछ लोगों के हाथों में होता है, ठीक है, ये देश है पूरा और ये देशवासी हैं हम लोग, जनसाधारण जितने भी हम लोग हैं वो सब हैं, ठीक है, अगर ये सत्ता हम लोग जैसे PM को भी देते हैं अपना सत्ता, या राष्ट्रपति को देते हैं, या अपना जो है उपराष्ट्रपति को दे दिए हैं, या अपने MLA MP को दे देते हैं, या मुखिया जी को दे देते हैं, प्रधान जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अगर वो हमारी उपेक्षा करता है, अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है, अपेक्षा का मतलब हम लोग किसी पे जो है किसी पे डिपेंड होते हैं, किसी हमको लगता है कि ये हमारी हेल्प कर देंगे, वो हमारी अपेक्षाएँ हैं, उपेक्षा का मतलब हमारा तिरस्कार, मतलब वो आपको वैल्यू नहीं देता, आपको नेग्लेक्ट करता है। तो अगर कोई सत्ता में बैठा हुआ इंसान हम लोग को नेग्लेक्ट करता है, हम लोग की उपेक्षा करता है, तो क्या ये स्वराज है? गांधी जी कहते हैं नहीं, ये स्वराज नहीं है। वास्तविक स्वराज का क्या मतलब होता है? कहा गरीब और अमीर,
दोनों के जीवन की जो आवश्यकता है अगर वो आराम से फुलफिल हो रहा है तो वही वास्तविक स्वराज है। जैसे मान लो एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान, तो अमीर के पास तो पैसा है वैसे भी फुलफिल कर लेगा, लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है और अगर उसकी आशाएँ आकांक्षाएँ आवश्यकताएँ पूरी हो रही हो तो वो असल में स्वराज है। फिर इसमें वो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, जिसमें मनुष्य जो है वो भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम करे, आनंद पूर्वक जीवन जिए। इसी दिशा में व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की अनुभूति स्वराज की अनुभूति है। जब कोई इंसान अच्छे से जिएगा, अच्छे से रहेगा, तो उसको कोई दिक्कतें नहीं होगा, तो इस तरह की स्वतंत्रता क्या कराता है, स्वराज कराता है। ठीक है, तो ये गांधी जी का था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हो गया। अब अम्बेडकर जी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दो ही टॉपिक के बारे में बताया गया तो उसको मिक्स्ड करके समराइज तरीके से रखने की प्रयास करते हैं। अम्बेडकर जी और गांधी जी में थोड़ी सी अंतर है, उनको एक लाइन में समझिए। गांधी जी कहते हैं कि जो जातिगत भेद होता है, जातिगत भेद का मतलब यहाँ एससी एसटी ओबीसी ये सबसे, तो कास्ट का जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित के विकृति का परिणाम है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था कौन है, जैसे हम लोग चार तरह के वर्ण जानते हैं ना, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, तो ये जो कास्ट हमारा जो आया है ये कहाँ से आया है, तो ये कहा कि ये वर्ण व्यवस्था से आया है। तो अम्बेडकर कहते नहीं, अम्बेडकर जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का ही परिणाम है कास्ट, पहले वर्ण व्यवस्था था और उसी के कारण जो है आज जातिगत भेदभाव आपको देखने को मिलता है। तो कहा जातिगत भेदभाव का उन्मूलन जो है जरूरी है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है ना जो है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, और ये नियम भी है। अभी संविधान हम लोगों को ये अधिकार देता है कि कोई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है, खासकर जातिगत भेदभाव तो एकदम नहीं कर सकता है। किसी को छोट जाति या छूत है ऐसा करके भेदभाव नहीं करना। और वैसे भी यार सिंपली एक बात जान लो यार, पढ़े लिखे लोग अगर हम पढ़ाई करते हैं, हमारे अंदर तनिक भी मोरालिटी है, तो क्या जातिगत भेदभाव, क्या छूत छुआछूत, क्या बड़ा छोटा है। अभी हॉस्पिटल में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई तथाकथित तौर पे कोई बड़ा जाति है, मान लो बड़े, हम वैसे तो हम जातिगत में विश्वास नहीं करते, खैर अगर कोई इंसान मान लो जिसको ब्लड की ज़रूरत है और वो जाति से श्रेष्ठ है और वहाँ ब्लड बैंक में जाता है और वो कहता है कि हमको जो है ब्लड चाहिए ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव ब्लड है लेकिन वो ब्लड है किसी अछूत जाति का, मान लो जैसे कि इस मतलब जो है इस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस पर लिखा नहीं है अछूत, लेकिन जो ब्लड जो वहाँ पर लेता है उसको पता है कि ये जो है किसी अछूत जाति की है, जिसको जो है अछूत कहा गया समाज के वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो अब बताइए उसमें ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए और वो किसी अछूत का है, तो अब क्या कहोगे कि नहीं हमको फलना सर्वश्रेष्ठ जो धर्म जाति है उसका ब्लड चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, तो हमको बस ब्लड चाहिए केवल, ठीक है। तो वही गांधी जो है अंबेडकर जी कहते हैं कि यार इसके लिए जातिगत भेदभाव को समाप्त करो, और इसका एकमात्र जरिया है पढ़ाई लिखाई, शिक्षा ग्रहण, उस पर कभी भी रोक टोक मत करिए, आप निशुल्क शिक्षा दीजिए सभी को, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना 6 to 12 14 साल तक में फ्री निशुल्क शिक्षा स्टेट भी देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कोई इंसान, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है ना कि वो इतना कुंठित विचारधारा है ना, जाति की भावना इतनी खतरनाक है अभी भी कि वो जाएगी ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाती नहीं, बस समझ रहे ना, तो इस बारे में इसको नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे इंसान के अंदर अगर ये भावना आज भी है तो ये गलत है, ये बहुत बड़ी जो है एक तरह से समझिए हमारी हार है। तो फिर अम्बेडकर जी ने कुछ किताबें और जो है कुछ जो है सिद्धांत और कुछ सभाएं जो दिए उनको मैं एक जगह कर दिया हूँ। मुक नायक एक किताब है, इन्होंने लिखी थी बहिष्कृत भारत, ये भी एक तरह का मैगजीन है और ये भी एक तरह का मैगजीन ही है। फिर रिक्री स्टैंड, ये भी एक तरह का मैगजीन है। फिर यूपीएससी ने पूछा था 2021 या 22 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये किसने दिया था, तो ये जो है अम्बेडकर जी ने दिया। फिर एक त्रयी सिद्धांत है, उसमें स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का जो है उन्होंने जो है सिद्धांत को अपनाया है, और वो कहते हैं कि कोई भी धर्म मैं वैसे धर्म को मानूंगा जिसमें ये तीनों हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो। तो बस यही था इसमें बेसिकली, और कुछ ज़्यादा है नहीं, और बाकी बहुत बड़ी चैप्टर है लेकिन उसको शॉर्ट वे में इतना याद रखिएगा, बाकी आपसे हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो बस इसी सबसे आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है मैचिंग में पूछ दे। और सबसे इंपॉर्टेंट किताब इसमें दो है, एक द रिलीजन ऑफ मैन और दूसरा गीतांजलि, साधना और पर्सनैलिटी भी इन्हीं की किताबें, याद रखिएगा इसको। इसमें पढ़ना है मानव धर्म, द रिलीजन ऑफ मैन,
देखिए इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानव के अंदर में दो चीज़ें होती है, एक ससीम पक्ष होता है, एक असीम पक्ष होता है। ससीम का मतलब लिमिटेड, असीम का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहता है जो इनफाइनाइट होता है वो हमारा कैसा पक्ष होगा, वो हमारा हाईएस्ट मतलब हायर अच्छा जो है पक्ष होगा, सर्वश्रेष्ठ पक्ष होगा। और जो ससीम है, जो लिमिटेड है, वो कौन है? बोला वो तो लोअर होगा, और वो क्या होगा? भौतिक होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। ये दो पक्ष के बारे में वो बताते हैं। फिर इसको अभी आगे समझिएगा, एक डायलॉग याद रखिएगा इसमें। टैगोर जी कहते हैं कि मानव धरती का बालक तो अवश्य है, परंतु वह वास्तव में स्वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं है। ये याद रखिएगा, टैगोर जी की कथन है, उनका कथन है कि मानव जो है वो धरती का बालक तो है, लेकिन वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब इस दुनिया में आप हैं, ये बात आपके पास है, लेकिन ये अब भविष्य क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी तो जिस तरह से आदमी को उन्होंने दो पक्ष में रखा है, एक ससीम और एक असीम पक्ष में, फाइनाइट और लिमिटेड में, उसी तरह आत्मा सोल को भी उन्होंने दो तरीके रखे, स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअल, और एक रखा फिजिकल, दो तरीके से रखा, ठीक है, स्पिरिचुअल और फिजिकल। स्पिरिचुअल में कहते हैं कि ये हाँ फिर आप समझिए, तो स्पिरिचुअल के बारे में वो कहते हैं और फिजिकल के बारे में इसमें समझिए आप, कि मैं इसको एक जगह कर दे रहा हूँ। देखो ऐसे ससीम और असीम वाला ये जो है ये कनेक्टेड है इधर से, और ये जो असीम है वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिज्म से, ये यहाँ पर ये देखिए इसे करके इसमें इसकी बात इधर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हाँ अब मैं आता हूँ, तो जो आत्मा है वो फिजिकली क्या बोल रहा है, कहता है कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि ससीम और फिजिकली जो है सोल उसको निगेट कर दिया जाए, तो टैगोर जी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यही ससीम आत्मा, यह शरीरधारी जीव संसार व जीवन में गतिशील है, तो इसका विरोध कैसे कर सकते हो आप? मतलब कि कोई इंसान अगर अगर सोल स्पिरिचुअलिज्म को मानता है, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी को जला दो आप, तो कैसे आप वर्क करोगे? मतलब उसके लिए फिजिकली भी तो बॉडी चाहिए ना। कोई इंसान को अभी मान लो आत्मा क्या कर सकती है, फिजिकली बॉडी चाहिए ना जी। तो वही कहते हैं कि अगर कोई ये कहता हो कि नहीं फिजिकली ज़रूरत नहीं है, केवल स्पिरिचुअलिज्म की ज़रूरत है, तो वो गलत है। इन दोनों का साथ हमेशा होना ज़रूरी है, तभी कोई काम हो सकेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वही कहते हैं कि अगर कोई फिजिकली बॉडी को निगेट करता है, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिज्म का भी निगेशन हो जाएगा। क्यों निगेशन हो जाएगा? क्योंकि ये जो है आत्मा है रहेगा कहाँ पर? आत्मा तो हमेशा कहाँ रहेगा? बॉडी के अंदर रहेगा। इसलिए बॉडी क्या है? एक तरह का बेस है। किसका? सोल का बेस है, ठीक है। सोल जो है वो कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। और अगर कोई निगेट कर देता है बॉडी का, तो ये सेल्फ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों सेल्फ कंट्राडिक्शन हो जाएगा? क्योंकि देखो ना यार, जैसे मान लो मैं ये बता दूँ, ये एक बॉडी है, इसके अंदर सोल को ला के पुटअप कर दो तुम, और अब कहो कि सोल को ख़त्म कर देंगे, तो सोल को जब ख़त्म करोगे तो ये भी इसी के अंदर था, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। बस समझ रहे हो ना? इसीलिए कहता है कि बॉडी को आप जला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अगर बॉडी को हटाते हो तो सोल भी, स्पिरिचुअलिज्म का जो सोल है वो भी जो है एंड हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं जो असीम वाला पक्ष, असीम मतलब इनफाइनाइट वाला जो पक्ष है, जिसको आप स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, इसके बारे में समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म को मानना ज़रूरी होता है, या इनफाइनाइट को मानना इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर आकांक्षाएँ जगती है। आकांक्षाएँ जगने का मतलब क्या होता है? कि आप जितना हो इससे भी ऊपर जा सकते हो। मतलब कोई इंसान अगर गरीब है, लेकिन उसके बच्चे को ये बताओ कि नहीं तुम गरीब हो, लेकिन एक रोज तुम अमीर बन सकते हो, एक तरह से उसको आशाएं दो, आकांक्षाएं दो, कि अगर तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आईएएस बन जाओगे, तुम जो है ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, एक बहुत बड़ा अधिकारी बाबू बन जाओगे। तो उसके लिए क्या है वो आईएएस का जो परीक्षा है, उसके लिए क्या है? एक तरह का असीम पक्ष हो गया उस इंसान के लिए, कि इस गरीब के लिए, पता समझ ना। और जो जो इंसान जो अपने आप को समझता है, तो उसके लिए क्या है? जो स्वर्ग है उसके लिए, जो गॉड है उसके लिए, वो क्या है? उसका असीम पक्ष है। तो कहा जब कोई इंसान असीम पक्ष के बारे में बात करता है, तो अंदर आकांक्षाएं जग जाती है, अमरता की चाह हो जाती है। मतलब अमर होना चाहता है कोई भी इंसान, मृत्यु से ऊपर उठने की चाह हो जाती है। कोई इंसान को ये पता चल जाए कि अरे यार, इस दुनिया के बाद भी दुनिया है जो सर्वश्रेष्ठ दुनिया है, तो उसको मौत से डरने लगेगा। फिर मनुष्य की वास्तविकता का पता चलता है कि हम कौन हैं। अगर कोई स्पिरिचुअलिज्म को जान जाता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है। जैसे साधु महात्माओं को कभी भी कोई मौत से डर नहीं लगता है, वो लोग रात बिरात कहीं भी चल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अभी अंधकार में जीते हैं। अगर जिस दिन हमको हकीकत पता चल जाएगी, उस दिन ये सब चीज़ें हमको छोटी लगने लगेगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि आत्मा की अनुभूति हमको लक्ष्य होता है। आत्मा की अनुभूति मतलब स्वयं को जानना, जैसे बुद्ध ने कहा नो दाई सेल्फ, आत्मा को, या आप दीपो भवा।
तो उसकी अनुभूति हमारे लक्ष्य हो जाता है। मनुष्य प्रकृति की ओर इसलिए आकर्षित होता है, प्रकृति का मतलब यहाँ पर है जो हमारा आत्मा है या ईश्वर बोल सकते हैं आप, उसकी ओर जो आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि उसको भी अमरता की चाहत होती है कि हम भी जो एक दिन अमर हो जाए। मनुष्य की दो प्रवृत्तियाँ होती है, एक ही मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियाँ हैं। कौन कौन सी प्रवृत्ति है? एक तो है कि प्राकृतिक शक्तियों का सामना करता है, जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उसका सामना करता है, और दूसरा वो प्रकृति से एक की अनुभूति भी रखता है, एक तो उसके अंदर सामना भी करता है और दूसरा उसके अंदर एक होना चाहता है। जैसे इसको समझिए आप, सबसे पहली बात है जैसे मान लो एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, और ये मान लो प्रकृति है, ये ईश्वर है, मान लो गॉड ईश्वर प्रकृति जो बोलो, आत्मा बोलो जो बोलो, तो ये इंसान इसके पावर को पहले फेस करता है कि अच्छा आत्माएँ ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, और फिर इसको जो इच्छाएँ होती हैं इसकी और जाना चाहता है, और उसको भी कहता है तल्लीन होना चाहता है। तल्लीन का मतलब उसको भी ईश्वर हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट कि हमको भी एक दिन ब्रह्म बन जाना है। तो वही कहता है कि एक ही इंसान दो तरह की प्रवृत्ति रखता है, एक तो पहले उसको फेस करता है उसके पावर को, नेचुरल पावर को, और एक दिन वो क्या बनना चाहता है, वो नेचर बनना चाहता है। आगे फिर देखिए, फिर कहता है मनुष्य केवल वह नहीं है जो वह ऊपर से दिखाई देता है, बल्कि उसकी वास्तविकता असीम रूप से ऊपर में भी है। मतलब जो वो है उससे भी ऊपर वो कुछ और है, ठीक है। इसलिए किसी भी इंसान को, किसी भी कहते हैं ना, किसी का हुलिया देख के उसको जज नहीं करना चाहिए, ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होता है, पूरा गेम ही चेंज कर देता है, मतलब समझ रहे ना आप। तो वही कहते हैं, एक और एग्जांपल वो इंग्लिश में कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, कि किसी इंसान को देख के आप ये मत बता सकते कि ये क्या है, समय का पहिया कब घूम जाए और कब वो जो है कहाँ से कहाँ बन जाए। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी इंसान को आप देख के ये नहीं जज कर सकते हो कि वो क्या है नहीं है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो शास्त्र भी कहता है, अपना शास्त्र की थ्योरी में भी यही कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए आप, मनुष्य में सतत विकसित होने एवं उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। अरविंदो भी इसी बात को कहते हैं, श्री अरविंद भी यही बात कहते हैं लाइफ डिवाइन में, कि हमेशा इंसान जो है ऊपर उठना चाह रहा होता है। लाइबनीज भी यही बात मोनाडोलॉजी में कहता है, मोनाडोलॉजी में जो पाँच तरह के जो सोल के जो हायरार्की बताया उसको देख लीजिएगा, उसी की तुलना उसने किससे की है, उपनिषद में किससे पंचकोश से किया है, देख लीजिएगा इस बात को। स्वतंत्रता जो मानव के असीम स्वरूप की पहचान है उसकी अध्यात्म स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता जो है मानव के असीम स्वरूप की पहचान है। अगर मान लो कोई इंसान असीम है तो स्वतंत्र है, और यही उसकी स्पिरिचुअलिज्म क्या है, स्पिरिचुअल फ्रीडम है, आध्यात्मिक शक्ति, यही स्वतंत्रता है। फिर वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, वो स्कूली शिक्षा को नहीं मानते यार, वो थियोरिटिकल कहते हैं। स्कूली शिक्षा जो होती है ना वो थियोरिटिकल होती है, इंसान को हमने प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा पढ़ाई लिखाओ जिसे कुछ कमा भी सके, जैसे ऐसे पढ़ाई मत कराओ जिससे कि वो मतलब जो है केवल ज्ञानवान हो जाए। अभी के मॉडर्न युग में क्या है, आप पढ़े लिखे कितना भी हो डजंट मैटर, आप कमाते हो क्या मैटर ये करता है, ठीक है, ये रियलिटी है। अब ज्ञानवान इंसान को कोई थोड़ा ना पूछता है, खासकर फिलॉसफी में भी आप खूब पढ़ लो लिख लो, लेकिन अगर आप कमाते नहीं हो, JRF नहीं हो, स्कॉलर प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हो, PhD करके बैठे हो, घंटा कोई ना वैल्यू देगा। तो अध्ययन पर फोकस करते हैं, सेल्फ स्टडी करिए, थियोरिटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए, अपनी मातृभाषा में सीखिए। लेकिन अब थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं है, इसको अपडेटेड हो जाएगा, मातृभाषा में सीखिएगा, लेकिन अंग्रेजी नहीं आएगी ना तो अभी का गुजारा नहीं है। बस व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हमारे नव वेदांती जो हुए कौन विवेकानंद भी कहते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिएगा ना, अपने फेस वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को जो है समझिए आप कौन हैं, तो फिर आपका जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आप खुश रहोगे। रोजगार परक, वही MBA BCA सब जो भी है वो सबसे क्या होगा, पैसा उसे मिलेगा आपको, घर वाला भी खुश होगा, 25-26 साल हो जाएगा, पैसा नहीं कमाइएगा ना तो वैल्यू नहीं देगा, खाली पढ़ रहा है लड़का या लड़की, पैसा वैसा कमाओ। इसलिए रोजगार परक एवं नैतिक विकास, मतलब नैतिक विकास तो ठीक है, चलो भाई ये तो ठीक है, रोजगार परक होना चाहिए, ये बात सही है। अहम की भावनाएं कम होती है, अगर आप पढ़ा लिखा लोगे ना तो वो घमंड नहीं होगा, लेकिन आज के आदमी ना कम पढ़ा लिखा आदमी जो है गड़बड़ा जाता है, उसको पूरा एटीट्यूड जाता है पूरा, समझे। तो अहम की भावनाएं कम होती है और वास्तविकता बढ़ जाती है। जब PhD करोगे तो फिर आपको लगेगा अरे ठीक है, रियलिटी आपको पता चल जाएगा। फिर ईस्ट वेस्ट का सपोर्टर है, मतलब वो जो है वेस्टर्न कल्चर को भी मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जो है वो विश्व भारती उनका जो है अपने यूनिवर्सिटी का जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए, अपने कॉलेज बनाए थे उन्होंने, उस जमाने में भी अपने एक कॉलेज बनाया था, कलकत्ता में है ये विश्व भारती, बोलपुर शांति निकेतन के पास, तो विश्व भारती एक कॉलेज उसने एस्टेब्लिश किए थे। फिर कहते हैं कि मनुष्य को ही ईश्वरत कहा गया है, यार इंसान को पूजो,
ठीक है, कहा कि अरे ठीक है ईश्वरत तो किसको कह सकते हो, बोला इंसान को ईश्वरत कहो ना, ये बात अम्बेडकर ये भी कहते हैं, हमारे विवेकानंद भी कहते हैं, ठीक है विवेकानंद भी यही बात कहते हैं कि इंसान को पूजो इंसान की सेवा करो, मानव आत्मरूप का पालना है, ये डायलॉग याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टैगोर का मूर्ति पूजा में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मानव पूजा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सेम एज इट इज जो है, ये भी विवेकानंद भी कहते हैं। भारत जब अन्याय से जूझ रहा होता है तो हमारा अधिकार है कि हम इसके विरुद्ध लड़े, और बुराई के विरुद्ध लड़ने का हमारा उत्तरदायित्व होगा, ठीक है यही है राष्ट्रवाद, कि जब कोई इंसान, हमारा जो भारत है वो अन्याय से जूझ रहा होगा तो हम एकदम एकत्र हो जाएं और लड़े इसके खिलाफ, जो हमारे विरोधी उसको एकदम परास्त करते हैं। देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम यही हमारा क्या है, राष्ट्र प्रेम देश प्रेम होना चाहिए, यही हमारा राष्ट्रवाद है, और इसी को वो यूनिवर्सल जो है फ्रीडम कहते हैं, यूनिवर्सल राजभौमिक स्वतंत्रता। फिर राष्ट्रवाद में क्या होता है, बेसिकली हम लोग सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हमारे अंदर फ्रीडम ऑफ विल होता है, स्वतंत्रताएँ होती है, फ्रीडम होता है, और अपने तरीके से जीवन को जिए, यही हमारा राष्ट्रवाद है अकॉर्डिंग टू टैगोर। तो बस ये ठीक था, ये ग्रुप ए हो गया। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी वो जो प्लेटो रॉल्स का, ये भी आ जाएगा जो है पार्ट टू में, तो इतना को आप देख लीजिएगा एक बार, मैं सबको फिर स्लाइड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं आराम से करता हूँ, देख लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जो है पढ़िए और टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है स्लाइड कर दे रहा हूँ। ये देखो ये हो गया हमारा गांधी का विचारधारा पूरा, नॉन वायलेंस, ठीक है अच्छे से पढ़ जाइएगा, एक बार रिवीजन कर जाइएगा, बाकी क्वेश्चन मारिएगा सर हो जाएगा सर आपसे। बाकी थोड़ा चैनल वालों को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, प्रेस कर छोटे ले लीजिए। ये हमारा हो गया भीमराव अम्बेडकर का, ये रविंद्र टैगोर का, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, जिसमें समझ नहीं आया जहाँ जो दिक्कत होगा मैं समझा दूंगा, ठीक है तो अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर पार्ट टू जल्दी आएगा, थैंक यू सो मच।